हाय, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर और फॉलोअर, गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों और मेरे फॉलोअर, मेरे सब्सक्राइबर, हाजरीन और नाजरीन। आप सबको आज का दिन, छुट्टी का दिन भी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान शरीफ भी मुबारक हो। आज मैं आपको कोर्ट वर्क का दूसरा हिस्सा दिखाना चाहता हूँ, यानी मेन कोर्ट थे जो वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अदलिया के कोर्ट, और ये सेकंड कोर्ट हैं जो छोटे कोर्ट होते हैं जिनकी अपीलेंट अदलिया में अपीलें होती हैं, तो इनका व्यू भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैं जैसे ही पहले ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आपको कोई भी इशू हो इस बारे में, इन मामलात में या कोर्ट के मामलात में, तो घबराना नहीं, बल्कि आपने मुझसे रब्ता करना है। मैं आपको रहनुमाई करूँगा, जो हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मैं अपने चैनल पर आपको आगाह करता रहूँगा इन चीज़ों से कि यहाँ क्या प्रोसेस है, कैसे चलता है ये सब निज़ाम पाकिस्तान, निज़ाम बहावलपुर। तो आप बेहतर जानते होंगे या समझते होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आपके लिए हाजिर है आपका व्यू, जो कि इंटीग्रेशन एस्टेब्लिशमेंट बहावलपुर रीजन बहावलपुर का है। इनके कोर्ट देखिए और ये पढ़िए, सामने इनका व्यू है, ये इनका कोर्ट है और ये इनके व्यू हैं। यहाँ हदीस मुबारक भी लिखी हुई है, अल राशियो वल मुर्तशियो कुल्लुहुम माफिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, कोई एक नहीं, कोई एक नहीं, दोनों। तो हाजरीन और नाजरीन, ये मेन ऑफिस का कोर्ट है, यहाँ डायरेक्टर साहब बैठते हैं, ये डायरेक्टोरेट है, तो यहाँ डायरेक्टर साहब बैठते हैं जो इस पूरे महकमे को गाइड करते हैं, चलाते हैं पूरे रीजन में। रीजन मीन डिवीजन, डिवीजन बहावलपुर। तो ये इसका व्यू है। बाकी इनकी छोटी छोटी कोर्ट जो हैं, जहाँ इंक्वायरीज होती हैं, जहाँ मसले मसाइल की डिटेल की छानबीन होती है, वो भी ये साथ साथ कमरे हैं, इतने सारे हैं, ये इतना लेंथी है कि काफ़ी है, काफ़ी है लेंथी। और COVID-19 के इश्तहारात भी लगे हुए हैं। दूसरे मैं आपको इनकी बेसिक हदायात भी बताता रहूँगा, तो इनकी हदायात जो हैं वो भी हैं, ये आप व्यू देख लें, फिर मैं आपको इनकी हदायात की तरफ लेके चलूँगा। ये दोनों तरफ डायरेक्टर साहब सेंटर में बैठते हैं, और दोनों तरफ इनकी कोर्ट का दीगर अमला, छोटे मोटे मुलाजमीन या उनके मातहत जो ऑफिसर्स काम करते हैं, वो भी बैठते हैं। तो आज छुट्टी का दिन है, इसलिए आज यहाँ कोई नहीं, तो मैं लक है कि मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, वरना बड़े ऑफिसर बैठे होते तो शायद मुमकिन नहीं था। चले मैं आपको इनकी बेसिक शरायत वगैरह बताते हैं, दिखाते हैं, जो ये लिखते हैं कि इंटीग्रेशन में आने के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। यानी ये लिखते हैं महकमा इंटीग्रेशन पंजाब, महकमा इंटीग्रेशन पंजाब कई दहाइयों से अवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। हमारा मिशन है अवाम के हकूक़ का तहफ़ शफाफियत और एहतसाब के साथ। अवामुन्नास से इल्तमास है कि महकमा इंटीग्रेशन पंजाब के साथ तआमुन करें और अपनी शिकायत मुतलका रीजन में दर्ज करवाएं। तो इसी तरह अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो आपके नाजायज़ काम के लिए आपसे रिश्वत का मुतालबा करें, सरकारी मुलाजिम अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करें, या हुकूमत पंजाब के किसी इदारे में माली बेजाबते हो रही हों तो उनको इतला दें, तो ये कार्रवाई करेंगे। तो ये इनकी चीज़ें हैं जो ये डिमांड करते हैं, जो ये आपको आगाह कर रहे हैं अपने माटों से। तो इनके साथ ही ये व्यू है, इनकी गैलरी है, साथ मोहम्मद अजीम जिशान साहब SNA साहब बैठते हैं, सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटर साहब भी इनको कहते हैं, तो मोहम्मद सलीम साहब बैठे हैं, मलक अब्दुल मजीद अवान साहब हैं, ये सब ऑफिसर्स हैं जो इनके काम करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ काम करते हैं। तो इनके एक और यहाँ लगी हुई है,
ये देखिए ये लगा हुआ है इनका इश्तिहार, कहता झूठी इतला दरख्वास्त देने वाले के लिए तरमीम दफा 182 ताजीरत पाकिस्तान, अगर कोई शख्स किसी भी वकुआ के मुतल गलत इतला देता है तो उसके खिलाफ जेर दफा 182 ताजीरत पाकिस्तान सजाओं का इतलाक बमा जेर दफा 2 फौजदारी कवानीन तरमीमी एक्ट 2017 दर्ज जेल होगा। ये आप पढ़ सकते हैं, पढ़ तो मैं भी सकता हूँ लेकिन मेरे पढ़ने से शायद आपको इतना मालूम ना हो, जो आप खुद पढ़ेंगे और खुद समझेंगे। तो ये इश्तिहार का व्यू भी हो गया, तो इसके साथ फिर ये सारा व्यू हो गया जी। बिल्कुल 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 ये डायरेक्टर के ऑफिस तक व्यू हो गया। चलें अब इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं, जिस तरफ डॉक्टर साहब के कमरे के दूसरी साइड पे, जिस तरफ यानी सीनियर लोग बैठते हैं और ज़्यादा काम चलता है या ज़्यादा काम होता है ऑफिस वर्क जी। मैं भी आपको यहाँ से शिकायत भी हो, किसी आदमी से शिकायत भी हो, किसी महकमे से शिकायत भी हो लोगों को, तो ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको देखें। ये दोबारा वही इश्तिहार लगा हुआ, इसका व्यू भी देख लें माशाल्लाह। और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ यहाँ के मसाइल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मसाइल या किसी भी सरकारी दफ्तर के मसाइल आपको हों तो यहाँ रब्ता करें, यहाँ ना करें तो मेरे चैनल पर रब्ता करें या मुझसे रब्ता करें, तो मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल से आगाह करूँगा। तो एक देखिए एक और इश्तिहार लगा हुआ है, पंजाब एंटी करप्शन में दरख्वास्त शिकायत दायर करने का तरीका। हाँ ये ज़रा अहम है तरीकाकार, ये मेथड आपको पहले ही समझ लेना चाहिए यहाँ आने से पहले, ताकि आपको वही बात है कि धक्के ना पड़े, इधर उधर आना जाना ना पड़े। नंबर एक, हल्फन इकरार करता हूँ कि दरख्वास्त में लिखा गया मतन और मालूमात दरख्वास्त दहिंदा के इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। ये आपको एक स्टाम्प लेना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर आपको ये तहरीरें लिखनी होंगी। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, रिहायशी पता, पेशा, शनाख्ती कार्ड, फोटोकॉपी, अपने वालिद का नाम, गवाह वगैरह का नाम, गवाह का रिहायशी पता, गवाह का मोबाइल फ़ोन नंबर। हाँ ये मामला किसी दीवानी या फौजदारी अदालत या किसी और कोर्ट में भी ना चल रहा हो, इस तरह के दरख्वास्त का ये मतन होगा, यानी पूरा दरख्वास्त पर लिखा जाएगा, सब्जेक्ट होगा और उसका उसकी तफसील होगी, डिटेल होगी। तो ये सारी देने के बाद आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इस महकमे में अपनी शिकायत बता सकते हैं। तो इसके साथ ये बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ रीजन ऑफ एस ए जी ई रीजन बहावलपुर ऑफ ईयर्स 2000, यानी ये अपने ऑफिसर्स को शील्ड वगैरह दे रहे हैं और इस बारे में बेस्ट इन्फॉर्मेशन की आपको के लिए इन्होंने इश्तिहार लगाया हुआ है, इनकी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह ये इन्होंने ऐप भी बनाया हुआ है, शायद मोबाइल्स पर, टच मोबाइल्स पर ये ऐप आपको मिलेगा ऐप। तो इस ऐप को भी आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म की करप्शन की शिकायत घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी रिपोर्ट करप्शन ऐप पर दर्ज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इस तरह भी आपके मसाइल हल हुए, लेकिन जैसा कि मुझे मालूम है कि सराकी लोगों में इतनी तालीम नहीं है कि वो इन चीज़ों को मोबाइल लोड से मोबाइल से अप कर सकें। ये देखिए पंजाब एंटी करप्शन में दरख्वास्त शिकायत करने का तरीकाकार वही है। मुझे यहाँ के लोगों का पता है जो सराकी हैं, थोड़े बैकवर्ड हैं, तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इन चीज़ों को पढ़ लिख कर भी शायद नहीं समझेंगे। इसलिए आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा या मेरे चैनल के ज़रिए या मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये दूसरे सब ऑफिसर्स बैठते हैं, सिर्फ ये दूसरे ऑफिसर्स बैठते हैं जो काम करते हैं, कमरे हैं तो जो ऑफिस वर्क करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन काम हो रही है। अभी हाल के दिनों में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं तो करप्शन के बारे में देखिए, ये व्यू है इनका, ये गैलरी टाइप, बरामदा टाइप, और इनके सामने माशाल्लाह ये अच्छे से अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं, ये पौधे लगे हुए हैं, ये भी सरसब्ज़ शादाब पौधे हैं, खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं।
आज आसमान का व्यू भी देखें तो आसमान का व्यू भी बहुत मतलब कुछ गर्म टाइप है। और दूसरा कोई व्यू देखें तो वो भी अच्छा होगा। तो इन्हीं बातों के साथ ये डायरेक्टर एंटी करप्शन सब ऑफिस ख़त्म होता है। तो इनके साथ इनके फ्रंट पे दूसरे ऑफिस हैं, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब बहावलपुर, जनाब कमिश्नर साहब बहावलपुर डिवीज़न, उनके बारे में मैं आपको गाहे बगाहे आगाह करता रहूँगा। तो हाज़रीन व नाज़रीन, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश जुमलों के साथ अल्लाह आपको खुश रखे। रमज़ान शरीफ है, माह रमज़ान की बरकत से आप तरोताज़ा रहें, खुश रहें। इन्हीं जुमलों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और ये कहूँगा कि फी अमानल्लाह, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम जी।